आपको बता दें कि आज से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कैबिनेट के अन्य मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी राज्यपाल कलराज मिश्र का स्वागत करते हुए थोड़ी ही देर में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा। उसके बाद में विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा बजट सत्र की आज से शुरुआत होने वाली है। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर और सीडीएस जनरल बिपिन रावत को पहले श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। अभिभाषण में गहलोत सरकार ने कोविड मैनेजमेंट को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर शामिल किया है। आपको बता दें कि अभिभाषण में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कृषि और सामाजिक सेक्टर में किए गए कार्यों को गिनाया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आधे घंटे सदन की कार्यवाही स्थगित होगी। इसके बाद फिर से कार्यवाही शुरू होने पर उपचुनाव में जीते दोनों विधायकों को सदन में स्पीकर शपथ दिलवाएंगे। वल्लभ नगर से कांग्रेस विधायक प्रीति शक्तागवत और धरियावाद से विधायक नगराज मीणा को शपथ दिलाई जाएगी। तो आपको बता दें कि आज से राजस्थान का विधानसभा बजट सत्र शुरू होने वाला है। कुछ ही देर में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। उसके बाद विधानसभा में लता मंगेशकर, पूर्व सीडीएस बिपिन रावत और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। रविवार को ही मुंबई में आपको जानकारी के लिए बता दें कि लता मंगेशकर का निधन हुआ था। लता मंगेशकर के अलावा हाल ही में दिवंगत हुए विधायकों को भी सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। सदन में श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विधानसभा स्पीकर के चैम्बर में सदन की कार्य सलाहकार समिति की एक बैठक होगी। बीएसई की बैठक में विधानसभा के बजट सत्र का कामकाज तय होगा। इस बैठक में सरकार के बजट पेश करने की तारीख भी तय की जाएगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चार दिन बहस के बाद मुख्यमंत्री जवाब देंगे। माना जा रहा है कि बजट 23 फरवरी के आसपास आएगा। मान्य सदस्य, मान्य राज्यपाल,
हिमाचल यमुना गंगा उत्सल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गावे तव जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे हम भारत के लोग सब लोग खड़े हो जाएंगे बड़ी कृपा होगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ये मूर्ख तो पढ़ूंगा उसको ध्यान से सुनेंगे। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। दो, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्चादर्शों को हृदय में सजोए रखे और उनका पालन करे। तीन, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण रखे। चार, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांच, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। छः, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। सात, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव हैं रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नौ, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। दस, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न
और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11, जो माता पिता या संरक्षक हों, वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आय के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण, पंद्रहवीं विधानसभा के सप्तम सत्र के शुभारंभ के अवसर पर मैं माननीय सदस्यों का अभिवादन करता हूं। पिछले 3 वर्षों में प्रदेश ने विकास के जो नए आयाम स्थापित किए हैं, उसके लिए राज्य सरकार को बधाई देता हूं। पिछले वर्ष पूरे देश ने कोरोना की दूसरी लहर की बड़ी त्रासदी देखी है। इस महामारी में कई लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा। आज इस मौके पर मैं उन सभी प्रदेशवासियों के परिवारजनों के साथ संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्हें इस बीमारी के कारण पारिवारिक क्षति का सामना करना पड़ा। मैं इस महामारी के दौरान निरंतर सेवा प्रदान करने वाले कोविड वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्स और सफाई कर्मियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना इस महामारी में लोगों को उनके प्राण बचाए। इस महामारी से लड़ाई में प्रदेश की जनता ने भी हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है, इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान कोविड प्रबंधन और रोकथाम के मामले में देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदेशों में से एक है। अपने नवाचारों और प्रतिबद्धता की वजह से राज्य सरकार ने प्रदेश को कोविड मैनेजमेंट में रोल मॉडल की तरह स्थापित किया है। इस महामारी ने पूरी दुनिया के लिए ऐसी चुनौतियां पैदा की जिनका सामना करने का अनुभव किसी के पास नहीं था। इस आपदा ने मानव के जीवन और जीविका दोनों पर ही वार किया। हमारे सामने चुनौती ये थी कि हमें बीमारी के प्रसार को भी रोकना था और इससे प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्था को भी संभालना था। सरकार के सामने बीमार लोगों के लिए उपचार उपलब्ध कराने का चैलेंज था। वहीं ऐसे लोग जिनका रोजगार इस महामारी में लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हुआ था, उन्हें भी संबल देना था। राजस्थान सरकार ने इस महामारी के दौर से बड़े और कड़े कदम उठाए। सारा जोर इस बात पर था कि कैसे लोगों को बीमार होने से बचाया जाए और उनकी आजीविका भी कम से कम प्रभावित हो। इस महामारी ने हमें ऐसी परेशानियों से रूबरू कराया जिसके लिए दूरदर्शिता और धैर्य दोनों की आवश्यकता थी। हमने यह भी कोशिश की कोई भूखा न सोए, इसके लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए करोड़ों फूड पैकेट वितरित किए। ऐसे समय में इंदिरा रसोई योजना भी वरदान बनकर सामने आई। ऐसे दौर में जब लॉकडाउन की वजह से प्रदेश की आय बहुत घट गई, तब भी राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों, गरीबों, जरूरतमंदों के लिए खर्च करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कोविड काल में हमने जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने के लिए निराश्रित परिवारों का सर्वे भी करवाया। ऐसे जरूरतमंद 33 लाख परिवारों को 5,500 रुपये प्रति परिवार सहायता दिए गए। इसके लिए राजकोष से 1,815 करोड़ रुपये खर्च हुए। प्रवासी मजदूर पैदल प्लान जब अन्य राज्यों में बड़ी समस्या बनकर उभरा, तब हमारी सरकार ने उसका बेहतर प्रबंधन किया। हमारा प्रयास रहा कि कोई पैदल न चले। प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई स्पेशल
गाड़ियों ट्रेनों का खर्च राज्य सरकार ने उठाया। उपखंड अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर सभी मजदूरों को बसों और अन्य वाहनों से गंतव्य तक पहुंचाया गया। हमारी सरकार ने प्रदेश में न सिर्फ निःशुल्क RT-PCR टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई बल्कि 1,45,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित की। आम जन की जरूरत को समझते हुए निजी क्षेत्र में भी समय समय पर इस टेस्ट की कीमत कम की गई। आज राजस्थान की प्राइवेट लैब्स में यह टेस्ट मात्र 350 रुपये में किया जा रहा। आदमी को बहुत राहत मिली है। 181 हेल्पलाइन की मदद से 24 घंटे लोगों की सुनवाई की और उन्हें त्वरित राहत पहुंचाई। भविष्य में दूसरी लहर की तरह ऑक्सीजन की कमी जैसी स्थितियां पैदा ना हो इसके लिए हमारी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। राज्य के चिकित्सालयों में 463 से अधिक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट एवं 40,000 ऑक्सीजन प्लांट कंसंट्रेटर आज से 1,000 मैट्रिक टन प्रतिदिन से अधिक की मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता विकसित कर ली गई। COVID-19 की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए गंभीर मरीजों के उपचार की सुविधाओं में व्यापक वृद्धि की गई है। राज्य में 2020 में मात्र 5,909 ऑक्सीजन बेड एवं 1,211 ICU बेड क्षमता उपलब्ध थी। अब प्रदेश में 28,000 ऑक्सीजन बेड और 6,000 ICU बेड की क्षमता उपलब्ध कराई जा चुकी है। संकट का सामना करने के लिए हमारी सरकार ने 2018 की तुलना में अस्पतालों के सामान्य बेड ऑक्सीजन बेड्स व ICU बेड्स की संख्या में करीब 5 गुना तक बढ़ोतरी की है। मार्च 2020 में बच्चों के ICU बेड की कुल क्षमता मात्र 665 थी। अब कुल 1,100 नियोनेटल ICU और पीडियाट्रिक ICU बेड की क्षमता उपलब्ध है। राजस्थान कोविड टीकाकरण में भी देश में अग्रणी रहा है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद फरवरी 2022 तक 18 वर्ष से अधिक आयु के 5,28,00,000 से अधिक व्यक्तियों को प्रथम डोज एवं 4,06,00,000 से अधिक व्यक्तियों को द्वितीय वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। 9,62,000 व्यक्तियों को प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। साथ ही 15 से 17 वर्ष तक के लगभग 30,00,000 युवाओं को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। राज्य में टीकाकरण सभी आयु वर्गों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। माननीय सदस्यगण, कोविड महामारी से लोगों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। हमने भविष्य में इस तरह की त्रासदी से स्वास्थ्य पर होने वाले आर्थिक भार में प्रदेश की जनता को मुक्त करवाने हेतु यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अब तक 788 सरकारी एवं 639 निजी अस्पतालों को जोड़ा जा चुका है। इस योजना में सामान्य बीमारी से लेकर हृदय रोग, कैंसर और कोरोना आदि के इलाज के 1,597 पैकेज और प्रोसीजर शामिल किए गए। इस योजना से 1,33,00,000 परिवारों को जोड़ा जा चुका है। 7,41,000 से अधिक मरीजों के इलाज पर लगभग 930 करोड़ रुपए को की कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में कैंसर, हृदय रोग या डायबिटीज आदि गंभीर बीमारियों की दवाइयां भी शामिल की गई है। दवाई और सर्जिकल उपकरण आज की संख्या मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सा संस्थानों में बढ़ाकर 969 जिला व सेटेलाइट अस्पतालों में 844, CSC में 635, PSC में 414 एवं सब सेंटर्स में 50 की गई है। अब तक मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना में 760 करोड़ रुपए देकर मरीजों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 से चरणबद्ध रूप से लागू कर प्रदेशवासियों को चिकित्सा क्षेत्र में अभूतपूर्व राहत प्रदान की गई थी। इसके अंतर्गत प्रतिदिन 1,25,000 से 1,50,000 जांचें निःशुल्क की जा रही है।
हमारे बेहतर एवं कम खर्च वाली चिकित्सा सेवाओं के कारण दूसरे राज्यों के मरीज हमारे प्रदेश में इलाज करवाने आते हैं, जो हमारे लिए गर्व का विषय है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5/2019-21 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में संस्थागत प्रसव 94.9% हो गया है, जबकि देश में संस्थागत प्रसव 88.6% है। बाड़मेर और सीकर में नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा चुके। 16 मेडिकल कॉलेजों में से 6 स्थानों श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, दौसा, हनुमानगढ़ और धौलपुर में निर्माण कार्य प्रारंभ किए जा चुके। कोटा, बीकानेर और उदयपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया तथा 200 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। जयपुर के सवाई मानसून चिकित्सालय में बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने के लिए 455 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से आईपीडी टावर का निर्माण किया जाएगा। इस टावर में लगभग 1200 बेड क्षमता एवं 10 ऑपरेशन थिएटर तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक जिले में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तर्ज पर नर्सिंग शिक्षण प्रशिक्षण के लिए सभी जिलों में राजकीय क्षेत्र में नर्सिंग कॉलेज खोलने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। प्रदेश में कोरोना से बचाव एवं उपचार के प्रति आयुर्वेद के बढ़ते रुझान को देखते हुए राज्य में 500 आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर प्रारंभ किए गए। राज्य के पर्यटन और धार्मिक स्थानों पर आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के पीपी मोड पर मेडी टूरिज्म सेंटर स्थापना के क्रम में 20 स्थानों का चयन कर केंद्र स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। माननीय सदस्यगण, हमारी सरकार ने इस बार भी ऐसे कार्य किए हैं जो राजस्थान में पहली बार संपादित किए गए। हमारे कार्य ही यह बताने के लिए पर्याप्त हैं कि हम कितनी प्रतिबद्धता से प्रदेश का विकास कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा राजस्थान में बहुत सारे नवाचार किए गए, जिनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। युवाओं को महात्मा गांधी की शिक्षा को आत्मसात करते हुए तथा सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज स्थापित किया गया। राज्य में पहली बार स्थापित शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ को अपग्रेड कर शांति एवं अहिंसा निदेशालय का गठन किया गया। सिलिकोसिस बीमारी से पुनर्वास और राहत के लिए सिलिकोसिस नीति जारी की गई है। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के हेतु 3 वर्ष तक उद्यम विभिन्न विभागों के स्वीकृतियों के व निरीक्षणों से मुक्त करने के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 लागू किया गया। सरकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 शुरू की गई। राजस्थान क्रीड़ा पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति नियम से पैरा खेलों को भी सम्मिलित किया गया। राज्य क्षेत्र प्रतियोगिता का अभूतपूर्व आयोजन किया गया, जिसमें 18 खेलों में 8000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के लगभग 26 लाख खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जन आधार कार्ड के माध्यम से राशन वितरण किया जाएगा। रिप्स 2019 में पर्यटन को थर्ड सेक्टर में शामिल किया गया। 500 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष के गठन का निर्णय किया गया। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यगण अगर अपना स्थान ग्रहण कर लें तो बड़ी कृपा होगी, अच्छा रहेगा, सभी के लिए सुविधा हो जाएगी। और फिर हाउस तो चलने वाला है, डट के विरोध करिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसे बैठ जाते जी। विश्व आदिवासी दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित। राज्य में औषधीय पौधे उपलब्ध कराने हेतु घर घर औषधि योजना की शुरुआत की गई। पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रत्येक जिले के लिए राज्य में पहली बार जिला पर्यावरण योजना बनाई जाकर लागू की जा रही है। 3000 करोड़ रुपए के कार्मिक कल्याण कोष का गठन किया गया। कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु
RGHS योजना प्रारंभ की गई है। विशेष योग्यजन कर्मचारियों को पदोन्नत में 4% आरक्षण दिया गया। अन्नदाता के बेहतर भविष्य एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में पृथक से कृषि बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, महात्मा गांधी जी ने बॉम्बे क्रॉनिकल में 12 जनवरी 1945 के लेख में लिखा है कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि हमें लोकतांत्रिक स्वराज हासिल हो और यदि हमने अपनी स्वतंत्रता अहिंसा से पाई, जो जरूर ऐसा ही होगा, तो इसमें किसानों के पास राजनीतिक सत्ता के साथ हर किस्म की सत्ता होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी के विचार को सामने रखकर हमारी सरकार ने प्रदेश के किसान भाइयों के हित में पहली बार कृषि बजट के साथ ही कई ऐतिहासिक निर्णय लिए और उन्हें सशक्त बनाने का काम किया है। सरकारी बैंकों के 8,181 करोड़ से कृषि ऋण माफ किए गए। साथ ही हमने गत सरकार के समय से लंबे 6,000 करोड़ रुपए का भी भुगतान किया और कुल मिलाकर 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के किसानों को ऋण माफ किए गए। गत 3 वर्षों में 36,357 करोड़ से अधिक के अल्पकालीन ऋण, 846 करोड़ रुपए से अधिक के मध्यकालीन एवं 362 करोड़ 76 लाख रुपए के दीर्घकालीन ऋण वितरित किए गए। किसानों को शोषण से मुक्ति और उन्हें उपज का सही मूल्य दिलाने के उद्देश्य से हर पंचायत मुख्यालय पर नई सहकारी समितियों के गठन की कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2021-22 में 418 पैक्स ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं 45 लैम्स के गठन की स्वीकृति जारी की गई है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में प्रतिमा 1,000 रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना से 5 लाख किसानों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। 5 वर्षों तक कृषि विद्युत कनेक्शन पर बिजली की दर नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। गत 3 वर्षों में 2,41,000 से अधिक किसानों को कनेक्शन जारी किए गए। 573 कस्टम हायरिंग केंद्र, कृषि यंत्र किराया केंद्र स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में 2 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। 870 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले जा रहे हैं। 104 पशु चिकित्सा उपकेंद्र पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किए गए। समस्त 198 पशु औषधालय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किए गए। पशुपालकों को राहत प्रदान करते हुए पशुधन चिकित्सा के लिए सार्वजनिक उपयोग में आने वाले पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना में 120 तरह की दवाइयाँ और टीके अनुमोदित किए गए। बीकानेर में डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तथा बस्सी जयपुर में डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी का महाविद्यालय प्रारंभ किए गए। गौशालाओं में संग्रहित गोवंश के लिए सहायता राशि की दर बड़े गोवंश हेत 40 रुपये और छोटे गोवंश हेत 20 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश की गई। पंजीकृत गौशालाओं हेतु निर्धारित घरेलू दर के ऊर्जा प्रभार का 50% अनुदान के रूप में वहन किए जाने का निर्णय। प्रत्येक पंचायत समिति में 1,57,00,000 रुपए की लागत से नंदीशाला खोले जाने की योजना बनाकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। गौशाला कांजी हाउस आवासित गोवंश के भरण पोषण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 456,45,00,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। आधारभूत संरचना हेतु 75 गौशालाओं को 5,35,00,000 रुपए आवंटित। वर्ष 2021-22 में करीब 26,00,000 फसल बीमा पॉलिसियों पर 3,518 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम दिया जा चुका है। वर्ष 2021 खरीफ 2021-22 रबी की फसलों के लिए 15,42,000 मेट्रिक टन यूरिया एवं 5,19,000 मेट्रिक टन DAP की आपूर्ति करवाई जा चुकी है। वर्ष 2021-22 में खरीफ व रबी की फसलों के लिए 21,00,000 क्विंटल उच्च गुणवत्ता का बीज वितरण किया गया। राजस्थान प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 के अंतर्गत अब तक संभावित 774 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की 450 से अधिक निवेश आवेदनों पर स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अब तक 152 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। कोरोना के बावजूद किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसके लिए समर्थन मूल्य पर रबी विपणन वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 23,40,000 मेट्रिक टन गेहूं की खरीद कर लगभग 2,27,000
किसानों को लाभान्वित किया गया। माननीय सदस्यगण, हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि सभी मनुष्य एक ही मिट्टी के बने हुए हैं और उन्हें अधिकार भी है कि वे अपने साथ अच्छे व्यवहार की मांग करें। हमारी सरकार ने बाबा साहब की सामाजिक न्याय की अवधारणा को सच करने के लिए समाज के हर उस तबके के विकास और प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान दिया है जो किन्हीं कारणों से मुख्यधारा से पीछे छूट गए थे। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत 97 करोड़ रुपये व्यय कर 178 अनाथ बच्चों, 8609 विधवा महिलाओं तथा 5640 विधवा महिलाओं के बच्चों को लाभान्वित किया गया है। इससे बालकों का वर्तमान भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की समानता और समता के सिद्धांतों को अपनाते हुए प्रदेश में कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लगभग 90 लाख पेंशनर्स को चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 7000 करोड़ रुपए की पेंशन दी गई है। प्रशासन गाँव और शहरों के मांग संघ अभियान 2021 के दौरान 3 लाख से अधिक व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया है। पालनहार योजना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 395 करोड़ रुपए से 5 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया गया। ट्रांसजेंडर्स भी हमारे समाज के अंग हैं। राज्य सरकार ने नवाचार करते हुए 10 करोड़ रुपए का ट्रांसजेंडर उत्थान कोष गठित किया है। देव नारायण योजना में मकसूदनपुरा, सवाई माधोपुर, देवडुंगरी, पाली, कैकड़ी, अजमेर, गुड़ला, करौली और पिपलोद जयपुर में आवासीय विद्यालय शुरू किया गया। देवनारायण योजना में सन 2020-21 से 3 आवासीय विद्यालय एवं सन 2021-22 से 2 आवासीय विद्यालय शुरू किए गए। 21-22 में 5 छात्रावासों की प्रशासन स्वीकृति जारी की जा चुकी है। छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हुए विद्यार्थियों के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 2,50,000 रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की गई है। तथा जिनके माता पिता राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या जो लेवल 11 तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं को भी ये सुविधा उपलब्ध होगी। राज्य में वंचित वर्ग तथा सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त अलाभकारी संस्थाओं की सक्रिय जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने और उन्हें कार्य हेतु अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की ओर से सुविधाएं, रियायत, छूट प्रदान कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना 2021 लागू की गई है। विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु संबल प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना लागू की गई है। गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षण कार्य के लिए सेवा हेतु वर्ष 2021-22 में विद्या संबल योजना प्रारंभ की गई है। वर्ष 2021-22 से विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन के समय जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय विवरण, जनाधार से वेब सर्विस के माध्यम से स्वतः सत्यापन होगा। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में 520 करोड़ से अधिक व्यय कर 4,17,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। अल्पसंख्यकों के समग्र विकास हेतु 100 करोड़ रुपए से विकास कोष का गठन किया गया है। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के सुदृढ़ीकरण 20 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण हेतु राज्य सरकार के वर्तमान कार्यकाल में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में 95 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान 1 लाख से अधिक अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में शिक्षा प्रसार के लिए आवासीय विद्यालय, छात्रावास, छात्रवृत्ति, स्कूटी वितरण, मदरसों में कंप्यूटर आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मदरसा बोर्ड का एक्ट बनाकर मदरसों के आधुनिकीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। अल्पसंख्यक ऋण आम माफी योजना 2021 3 चरणों में लागू कर प्रथम चरण में 5,149 ऋणियों को 40 करोड़ 33 लाख रुपए का ऋण माफ कर लाभान्वित किया जा चुका है। अनुसूचित जनजाति के समावेशी विकास हेतु वर्ष 2021-22 में 100 करोड़ रुपए से जनजाति विकास कोष का गठन किया गया है। जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 407 आश्रम छात्रावासों एवं 44 आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। इन छात्रावासों में लगभग 36,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। इनके अतिरिक्त 13 खेल छात्रावासों, 9 महाविद्यालय छात्रावासों एवं 6 बहुउद्देशीय छात्रावासों का भी संचालन किया जा रहा है। शहरिया क्षेत्र के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, यूनिफॉर्म इत्यादि क्रय करने हेतु दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर कक्षा 1 से 5 तक 1,000 रुपये एवं 6 से 12 तक 2,000 रुपया है। अनुसूचित क्षेत्र माणा
क्लस सहरिया एवं कथौड़ी परिवार के लगभग 80,000 बालक बालिकाओं को माँ बराड़ी केंद्रों में प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है। प्रदेश में सामुदायिक बुनियादिकार विकास योजना लागू की गई है। वन क्षेत्र एवं उसके निकट आवास कर रहे लोगों को सामुदायिक वनाधिकार देने एवं पात्र लोगों को व्यक्तिगत वनाधिकार प्रदान करने हेतु 9 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक विशेष वनाधिकार अभियान संचालित किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, महिलाओं और बालिकाओं की स्वायत्तता, गरिमा और उनके मानवाधिकारों को सुनिश्चित करते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने तथा उपलब्ध सेवाओं और अवसरों का लाभ देने के उद्देश्य से नई महिला नीति अप्रैल 2021 से लागू की गई है। महिलाओं और किशोरियों के लिए स्वास्थ्य जागरूकता एवं निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण हेतु आई एम शक्ति उड़ान योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया। इस योजना के पहले चरण के 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह समाज में यह एक बदलाव की शुरुआत है। माहवारी एवं स्वच्छता के लिए के विषय में समाज में बात करने में झिझक होती थी, जिसका परिणाम महिलाओं को गंभीर बीमारियों के रूप में उठाना पड़ता था। इस योजना के पूरी तरह लागू होने के बाद महिलाओं को हाइजीन की कमी से होने वाली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। इस महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनके सशक्तिकरण के लिए इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रारंभ कर ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 2021-22 में 17 करोड़ 30 लाख 4 से 7 करोड़ समग्र बाल विकास अंतर्गत वर्तमान में 61,625 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। इनके माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों गर्भवती धात्री महिलाएं व किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार देकर उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में 1 अप्रैल 2021 से 10% की वृद्धि की गई है। देश में पंचायती राज की स्थापना के माध्यम से ग्राम स्वराज की अवधारणा को धरातल उतारने का जो काम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने किया था, हमारी सरकार उसे और मजबूत बढ़ाने का काम कर रही है। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने अपने 1 सार्वजनिक भाषण में इस दौरान कहा था, मैंने कई बैठक करवाई, लंबे लंबे घंटे हमने बहस करी और एक बात सामने आई कि जब तक हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के हाथ में जिम्मेवारी नहीं देंगे, नीचे नहीं देंगे, तब तक यह नहीं हो पाएगा। गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की मेरी कल्पना यह नहीं है कि सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में जाए, बल्कि ये है जनता में सत्ता का दुरुपयोग रोकने की क्षमता पैदा हो। यही हम भी करना चाहते हैं। अगर कानून बदलने की जरूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी, तो हम जरूर करेंगे। इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम देखेंगे कि जनता के हाथ में पूरी ताकत आए, उस पंचायती राज को सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार के मामलों में ग्रामीणों को वर्षों इंतजार करना पड़ता था। हमने इस समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन गांव के संघ अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया है। प्रशासन गांव के संघ अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक पट्टे जारी किए हैं। ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं पर इस वित्तीय वर्ष में 390 करोड़ 75 लाख रुपये व्यय कर 7,515 किए गए। पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं में 3,557 करोड़ रुपये व्यय कर 86,659 कार्य पूर्ण करवाए गए। महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत 2021-22 में अब तक 7,873 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर 62,86,000 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 29,13,00,000 मानव दिवस किए गए। कृषि एवं कृषि संबंधित कार्यों में मनरेगा में 68% से अधिक राशि व्यय की है। राजीव का परियोजनाओं में 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 27 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया। राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 736 करोड़ रुपये व्यय कर 58,160 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। शहरों में दूर दराज से आकर काम करने वाले और इसी तरह से के लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए हमने इंदिरा रसोई योजना शुरू की। इंदिरा रसोई योजना के तहत प्रदेश में 358 रसोइयों के माध्यम से प्रति थाली 8 रुपये के दर से भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें राजकीय अनुदान 12 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये प्रति थाली किया गया है। योजना में अब तक 5 करोड़ 5 लाख
लोगों को लाभान्वित किया गया। कोरोना की द्वितीय लहर के दौरान 71 लाख जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन पैकेट वितरित किए। पट्टे उपलब्ध करवाने के प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 चलाया गया। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में अब तक 1,50,000 से अधिक पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश के 3 विकास प्राधिकरणों धरती है। यहाँ के कण कण में ऐतिहासिक गाथाएं छुपी हुई है। कालीबंगा की सदियों पुरानी सभ्यता से लेकर जयपुर जैसी आधुनिक नगरी व्यवस्था राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से समृद्ध बनाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान की धरती के बारे में कहा है, राजस्थान का एक एक पत्थर वीरता के इतिहास से भरा हुआ है, बलिदानों के सुनहरे कारनामों से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की पुरानी कीर्ति आज भी हमारे दिलों को अभिमान हर्ष और उत्साह से भर देती है। राजस्थान के ऐतिहासिक धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का आनंद उठाने पूरी दुनिया से सैलानी आते हैं। पिछले 2 सालों में कोविड महामारी ने पर्यटन क्षेत्र को प्रभावित किया है, ऐसे में हमारी सरकार ने संभल के लिए इस क्षेत्र का हाथ थामा है। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के तहत गेस्ट हाउस स्कीम 2021 एवं राजस्थान होम स्टे योजना 2021 लागू की गई है। सर्वधर्म संभाव को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख तीर्थ स्थलों के धार्मिक पर्यटन सर्किट तथा शेखावटी व गोडवाड पर्यटन सर्किट के विकास हित 149,72,00,000 रुपये की राशि व्यय की जाएगी। पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान पर्यटन व्यवसाय सुकरकरण और विनियमन नियम 2010 में संशोधन कर पर्यटकों के साथ घटित होने वाली समस्त अपराधों को संज्ञेय एवं गैर जमानती किया गया। पर्यटकों को राज्य के ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी उपलब्ध कराए जाने के लिए जय निवास उद्यान जयपुर, मुस्कुंद धौलपुर, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, मीराबाई स्मारक, मेड़ता नागौर पर साउंड एवं लाइट शो तथा गड़ीसर तालाब जैसलमेर पर लेजर वाटर शो शुरू किया गया है। फिल्म शूटिंग अनुमति एवं ट्रेवल टूर ऑपरेटर पंजीकरण की सुविधा 1 जनवरी 2021 से पूर्णतः ऑनलाइन कर दी गई है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में पर्यटन इकाइयों ब्याज सब्सिडी हेतु पात्र की गई है। इसी उप योजना मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना में उद्यमियों को 25,00,000 रुपये तक के ऋण का ब्याज अनुदान 8% से बढ़ाकर 9% देय होगा। पंजीकृत गाइडों के फीस में 10 साल बाद 3 गुना की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार यहाँ की समृद्ध कला साहित्य और संस्कृति को संरक्षित करने के प्रति सजग है। शांति हिंसा सह अस्तित्व और सद्भाव हमारी समृद्धि संस्कृति का अभिन्न अंग है। युवा पीढ़ी को गांधी विचार से परिचित करवाने के लिए शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ को अपग्रेड कर शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना की गई है। कोविड-19 से प्रभावित कलाकारों को विशेष आर्थिक सहायता के तौर पर 5,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। 2021 में 10,204 कलाकारों को 5,10,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। दांडी मार्च के 91वीं वर्षगांठ 12 मार्च 2021 को बजाज नगर जयपुर से महात्मा गांधी सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर में दांडी यात्रा का ऐतिहासिक आयोजन किया गया। राजस्थान की पहचान अपने ऐतिहासिक मंदिरों और नगरों की वजह से। यहाँ दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं विकसित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। देवस्थान विभाग के प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर के अंशकालीन पुजारियों का मानदेय 1,800 रुपये प्रतिमा से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमा किया गया है। 148 आत्मनिर्भर मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों का मानदेय 3,600 रुपये प्रतिमा से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमा किया गया है। उदयपुर जिले में स्थित मंदिर श्री ऋषभ देव जी के सर्वांगीण विकास के लिए 1 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए गए। माननीय सदस्यगण, प्रदेश में शांति समृद्धि सांप्रदायिक सौहार्द के साथ महिलाओं एवं कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई अपराधों के निर्बाध पंजीकरण की व्यवस्था महिलाओं सहित कमजोर वर्ग को परिवाद दर्ज करवाने का हौसला बढ़ा है। इसका प्रमाण है कि वर्ष 2017 में दुष्कर्म में 33.4% मामले कोर्ट के माध्यम से दर्ज होते थे, अब इनकी संख्या घटकर 16% हो गई है। महिला अत्याचार और अपराध को रोकने के लिए जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नियुक्त कर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमन का गठन किया गया है।
प्रदेश के प्रत्येक थाने में एक स्वागत कक्ष का निर्माण किया जा रहा है। अब तक 711 स्थानों पर स्वागत कक्ष बनाए जा चुके हैं, 110 में निर्माणाधीन है। बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों से में औसत अनुसंधान समय 2017-18 में 274 दिन था, परंतु हमारी सरकार की हर पीड़ित को न्याय देने की मंशा के कारण पॉक्सो एक्ट एवं महिला अत्याचार के मामलों में निस्तारण समय सिर्फ 79 दिन रह गया है। जघन्य अपराधों के त्वरित अनुसंधान एवं परीक्षण हित हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट के जरिए सदर निगरानी रखी जा रही है। महिला अपराधों को रोकने के लिए सभी स्थानों पर सुरक्षा सखी समूह का गठन किया गया है। माननीय सदस्य, विकास के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना बहुत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी सरकार परंपरागत ऊर्जा साधनों के साथ ही गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास पर भी ध्यान दे रही है। गत 3 वर्षों में 2970 मेगावाट की वृद्धि से राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 23309 मेगावाट हो गई है। नई सौर ऊर्जा नीति के परिणाम स्वरूप 8420 मेगावाट सोलर क्षमता के साथ राजस्थान देश में प्रथम है। निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए गत 3 वर्षों में विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए 400 केवी का एक 220 केवी के 4 132 केवी के 22 ग्रिड सब स्टेशन तथा 33 केवी के 496 सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। 16 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए गए। किसानों को बिजली के बिलों में गत 3 वर्षों में 43,870 करोड़ रुपए का अनुदान देकर राहत प्रदान की गई। प्रदेश के प्रत्येक शहर कस्बा गांव और डाणी में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बृहद पेयजल परियोजनाओं के माध्यम से सतही जल स्रोतों से वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 18 शहरों 4098 गाँव 4000 डाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों अडाणियों में 1158 आरओ प्लांट्स एवं 1953 सौर ऊर्जा आधारित डीप फ्लोरिडेशन संयंत्र चालू कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 35,000 से अधिक गांव में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 86 लाख से अधिक घर जल कनेक्शन जारी करने हेतु स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। अब तक प्रदेश में 22,50,000 अधिक परिवारों को घर जल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। पेयजल के साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके इसकी पुख्ता इंतजाम किया गया है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर 1,766 करोड़ रुपये व्यय कर 9,854 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में नहरी क्षेत्र के जीर्णोद्धार के तहत दिसंबर 2021 तक लगभग 1076 किलोमीटर लंबाई की वितरिकाओं का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना के द्वितीय चरण में 10,71,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र की नहरों के निर्माण रखरखाव व जल संचालन के कार्य करवाए जा रहे हैं। परवन वृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना पर वर्ष 2021-22 में 392,32,00,000 रुपये व्यय किए गए हैं। धौलपुर लिफ्ट बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर 2021-22 में 144 करोड़ रुपए व्यय किए गए। इसरदा पेयजल परियोजना पर वर्ष 2021-22 में 78,15,00,000 रुपए व्यय किए गए। कोटा जिले के दिगेट तहसील में काली सिंध नदी पर बनाए जा रहे नौनेरा बैराज पर वर्ष 2021-22 में 234 करोड़ रुपए 42,00,000 रुपए व्यय किए गए। राजस्थान जल क्षेत्र राज्यों का सुधार परियोजना के तहत 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजना के पुनर्वास एवं जीर्णोद्धार से 4,27,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के काश्तकार लाभान्वित होंगे। वर्ष 2021-22 में दिसंबर 2021 तक लगभग 87 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। पार्वती बांध जिला धौलपुर, छाबी बांध जिला झालावाड़, राणा प्रताप सागर बांध जिला चित्तौड़गढ़, सोम कमला अम्बा बांध तथा माही नगर पर स्काडा सिस्टम साबित किया जाना प्रस्तावित है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर प्रत्येक चरण के 1,454 करोड़ रुपए लागत की परियोजना से जोधपुर एवं पाली जिले के 5 शहर तथा 3,104 गांव में जलापूर्ति हेतु राशि की व्यवस्था राज्य मत से की गई है। माननीय सदस्यगण, सड़कें किसी प्रदेश के विकास की रीढ़ होती है।
अच्छी सड़कों की वजह से ही निवेश आकर्षित होता है और आम आदमी का जीवन सुगम होता है। हमारी सरकार के कार्यकाल में 16,935 करोड़ रुपए व्यय कर 5,794 किलोमीटर लंबाई में नवीन सड़कों का निर्माण, 860 किलोमीटर लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, 4,689 किलोमीटर लंबाई में राज्य राजमार्ग का विकास व 28,548 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कों के विकास का कार्य पूर्ण किए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में भी राजस्थान अग्रणी है। योजना के फेज तृतीय के अंतर्गत 4,291 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन कार्य पूर्ण कर दिए गए। RIDF 25 व 26 में 5,352 किलोमीटर लंबाई है 698 कार्य पूर्ण कर लिए गए। रेलवे फाटकों पर आवागमन को सुगम बनाने के लिए 8 ROB एवं 25 RUB का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 20 ROB व 32 RUB का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राजमार्ग 29,885 किलोमीटर लंबाई में राज्य की सड़कों का विकास किए जाने के लिए 17,500 करोड़ रुपए लागत के 7,407 कार्यों की नवीन सुविधा जारी की गई। सड़कों से वंचित 2001 की जनगणना के अनुसार 500 व अधिक आबादी के 369 राजस्व गांवों व 29 बसावटों तक डामर सड़कों की सुविधा पहुंचाई गई है। इस बार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए लागत के कार्य करवाने की दिशा में 1,000 करोड़ रुपए की लागत के 2,236 किलोमीटर लंबाई में मिसिंग लिंक व 522 किलोमीटर लंबाई में नॉन पैचेबल सड़कों के निर्माण का कार्य, सड़कों को 1,487 कार्य राज्य सड़क निधि व नाबार्ड योजना में स्वीकृत कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य में सड़कों के विकास की दृष्टि से प्रत्येक जिले में 3 सड़कों के उन्नयन एवं विकास कार्य के तहत 1,948 करोड़ रुपए लागत से 1,926 किलोमीटर लंबाई में 99 सड़क पुल व आरओबी के कार्य स्वीकृत किए जाकर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में 30 किलोमीटर, नगर परिषद क्षेत्र में 20 किलोमीटर और नगर पालिका क्षेत्र में 10 किलोमीटर सड़कों के विकास की स्वीकृतियां जारी कर दी गई। इनमें 902 कार्य प्रारंभ कर दिए गए। शिक्षित समाज के रास्ते की आदर्श समाज की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। प्रदेश के हर बच्चे तक शिक्षा का उजियारा पहुँचाकर ही जीवन स्तर को बेहतर बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की पहल की गई है। अब तक खोले जा चुके अंग्रेजी माध्यम के 562 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में 86,000 से अधिक नामांकन हो चुका है। विद्यार्थियों को कृषि उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी के क्षेत्र में अध्ययन की सुविधा सहज सुलभ कराने के लिए विज्ञान संकाय वाले 600 राजकीय विद्यालयों में से 358 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन कृषि सरकार ने शिक्षकों के रिक्त पद भरने की विशेष प्राथमिकता दी है। अब तक 61,625 शिक्षकों को नवीन नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है, साथ ही 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों के परिणाम स्वरूप राजकीय विद्यालयों के नामांकन में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में 10 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। इंस्पायर अवार्ड योजना 2020-21 में राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान रहा है। स्थानीय स्तर पर कन्या महाविद्यालयों के अभाव में अनेक बालिकाएं उच्च शिक्षा के वंचित रह जाती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राजकीय विद्यालयों में उच्च माध्यमिक स्तर पर 500 से अधिक बालिकाएं होने पर कॉलेज खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। 3 वर्ष में 123 नवीन राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किए गए, साथ ही 17 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर 25 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 39 नवीन विषय शुरू किए गए हैं। मूक बधिर विद्यार्थियों हेतु राजकीय मूक बधिर महाविद्यालय जयपुर खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। जोधपुर में मूक बधिर महाविद्यालय खोला जा चुका है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में 2019-20 एवं 2020-21 के 23,167 विद्यार्थियों को 11,48,00,000 रुपए का भुगतान किया गया है। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में वर्ष 2019-20 की 2,436 छात्राओं को स्कूटियां वितरित की गई हैं। प्रदेश के होनहार विद्यार्थियों को विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों स्थान संस्थानों अध्ययन हेतु राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 प्रारंभ की गई। राज्य में तकनीकी शिक्षा को
बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021-22 में 390 प्रवेश क्षमता के 4 नए राजकीय पॉलिटिकल पॉलिटेक्निक महाविद्यालय मंडोर, जोधपुर, पिलानी, झुंझुनू, नावा, नागौर एवं उज्जैन भरतपुर में खोले गए। आम आदमी की भू अभिलेख से संबंधित समस्याओं का निस्तारण करने के लिए भू अभिलेख कंप्यूटराइजेशन कार्य निरंतर प्रगति पर है। इस कार्य के अंतर्गत 369 तहसीलों में से 321 तहसीलों को ऑनलाइन किया जा चुका है। प्रदेश में 2021 में एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर, 12 उपखंड, 30 तहसील एवं 29 उप तहसील के नवीन कार्यालयों का सृजन किया गया है। प्रदेश में 329 नवीन राजस्व गांवों का सृजन किया गया है। खातेदारी भूमि पर विंड फार्म, विंड पावर प्लांट, बायोमास आधारित पावर प्लांट आदि परियोजनाएं लगाने पर संपरिवर्तन से छूट प्रदान करने के लिए राजस्थान भू राजस्व नियम में संशोधन किया गया है। निःशक्त जन व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों की पट्टा अवधि को 30 वर्षों से बढ़ाकर 99 वर्ष तक किया गया है। युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगारी अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही। राजकीय क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने के लिए वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक 1,00,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं एवं लगभग 94 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 5,175 डेयरी बूथ खोले गए। असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिए ई श्रम पोर्टल प्रारंभ कर इस पोर्टल में अब तक लगभग 71,00,000 असंगठित श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। श्रम विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में अब तक 2,33,000 भवन एवं संनिर्माण श्रमिकों का हिताधिकारियों के रूप में पंजीकरण कर 95,000 श्रमिकों को विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं से लाभान्वित किया गया। निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल योजना में लगभग 77 करोड़ रुपये का भुगतान कर 85,000 से अधिक श्रमिकों को एवं श्री कौशल पीड़ित सहायता को योजना में 9 करोड़ रुपये भुगतान कर 366 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया। जिला मुख्यालयों पर कौशल नियोजन उद्यमिता श्रमिकों के आयोजन पर विशेष बल दिया जा रहा है। अब तक कुल 800 कौशल नियोजन उद्यमिता शिविरों का आयोजन कर 75,000 से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया गया है। राज्य में बेरोजगार युवाओं को आर्थिक समृद्धि प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में भी दी जाने वाली बेरोजगारी भत्ते की राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये एवं 3,500 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये किया गया है। अब तक कुल 3,53,000 जाकर 915 आशार्थियों को लाभान्वित करते हुए ₹1,305 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। हमारी सरकार द्वारा मार्च 2019 से अब तक 275 करोड़ रुपए व्यय कर बीपीएल स्टेट बीपीएल व अंत्योदय के लाभार्थियों को 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं का वितरण किया जा रहा है। आमजन की सुविधा के लिए उचित मूल्य दुकानों पर ई मित्र केंद्र स्थापित किए जाने के आदेश जारी किए गए। सभी उचित मूल्य दुकानों की जियो टैगिंग पूर्ण कर ली गई है। राशन डीलर्स के आश्रितों को अनुकंपात्मक डीलरशिप प्रदान किए जाने की शर्तों का सरलीकरण कर 625 प्रकरणों में अनुकंपात्मक नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है। राशन डीलर की कोरोना से मृत्यु होने पर 50,00,000 रुपये की अनुग्रह राशि आश्रितों को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। उचित मूल्य दुकान आवंटन में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण किया गया। जन आधार योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा संचालित 114 लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का सीधा लाभ 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। अब तक लगभग 103 करोड़ डीबीटी लेन देन संपन्न हुए हैं। राज्य के समग्र विकास के जुड़े विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े विषयों पर अध्ययन पत्र तैयार करवाए जा रहे हैं। यह कदम इन क्षेत्रों के लिए भावी नीति निर्धारण हेतु उपयोगी होंगे। राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 तैयार किए गए। राज्य एवं जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सतत परीक्षण हेतु क्रमशः राज्य सतत विकास लक्ष्य इंडिकेटर फ्रेमवर्क एवं जिला सतत विकास लक्ष्य इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार किए जा चुके हैं। नीति आयोग द्वारा आशान्वित जिला कार्यक्रम के तहत जारी मासिक डेल्टा रैंकिंग में 12 जिले ने राष्ट्रीय स्तर पर जून जुलाई 2021 में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस उपलब्धि के लिए 12 जिले को 7 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जन आधार कार्ड का राशन कार्ड के रूप में उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सभी NFSA राशन कार्ड धारी
सदस्यों की जन आधार से मैपिंग का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है। माननीय सदस्यगण, आप लोग थक गए होंगे, बैठ जा चुके, गुलाब जी बैठ जाए, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। भारत में सूचना क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी ने ई गवर्नेंस और आईटी का लाभ घर घर पहुंचाने का जो सपना देखा था, उसे आज राजस्थान में साकार किया जा रहा है। प्रदेश को संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन की दिशा में प्रगति के साथ आगे बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ई गवर्नेंस पर विशेष बल दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ किया। अब तक इस पोर्टल को 10 करोड़ से अधिक लोगों ने विजिट किया है। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को 115 विभागों से जुड़ी 258 योजनाओं और 561 विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। जन कल्याण की प्राथमिकता और जन कल्याण की प्रतिबद्धता के संकल्प के साथ राज्य सरकार ने जन कल्याण पोर्टल स्थापित किया है। इस पोर्टल पर जनहित में संचालित सभी योजनाओं कार्यक्रमों नीतियों और दस्तावेजों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर वर्ष 2021 में प्राप्त लगभग 20 लाख परिवेदनाओं में से लगभग 96% परिवेदनाएँ का निस्तारण किया जा चुका है। माननीय सदस्यों राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु निवेश का अहम योगदान है। इस हेतु प्रदेश के औद्योगिक विकास में उद्यमियों, विशेष रूप से अप्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। निवेश प्रोत्साहन के लिए 7 शहरों दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई में इन्वेस्टर्स कनेक्ट प्रोग्राम आयोजित किए गए। दुबई एक्सपो में राज्य के प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। अमेरिका स्थित निवेशकों के साथ एक वर्चुअल निवेशक कनेक्ट कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। देश के विभिन्न शहरों एवं दुबई में आयोजित निवेश सम्मेलनों में 573,327 करोड़ रुपए के विनियोजन के प्रस्ताव प्राप्त हुए। साथ ही राज्य के जिला स्तरीय निवेश सम्मेलनों में 1,33,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए। राजस्थान फाउंडेशन द्वारा 4 सितंबर 2021 को मिली सरकार से एक अनूठी वर्चुअल श्रृंखला की शुरुआत की गई। इसमें प्रवासी राजस्थानी राज्य के मंत्रियों से सीधे वार्तालाप कर निवेश के अवसरों के बारे में जान पाएंगे और अपने सुझाव भी दे सकेंगे। वन स्टॉप शॉप प्रणाली के ऑनलाइन पोर्टल राज्य निवेश पर 51,032 करोड़ रुपए से 209 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के प्रथम बैठक में 1,67,750 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को की स्थापना के लिए राज्य उद्योग मित्र पोर्टल पर अब तक 12,542 उद्योगों को प्राप्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए टाटा बीआर अम्बेडकर स्पेशल पैकेज का प्रावधान 30 मार्च 2021 को किया गया है। इस योजना को राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना में शामिल कर 7,215 प्रकरणों में स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण से संबंधित पात्रता छूट प्रमाण पत्र जारी किए गए। राज्य में समग्र औद्योगिक विकास, निवेश एवं रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र से वंचित 147 उपखंडों में औद्योगिक स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 64 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है। रीको द्वारा औद्योगिकरण की गति को बनाए रखने के लिए प्रदेश में विभिन्न जगहों पर 3,816 एकड़ भूमि आवाप्त की जाकर लगभग 4,231 भूखंड उद्यमियों को आवंटित किए गए हैं। रीको को सराहनीय प्रदर्शन और देश के आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे की उन्नति की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 6 सितंबर 2021 को पुडुचेरी में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह में काउंसिल ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्कृष्ट राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 2500 क्षेत्रों को सर्वोच्च औद्योगिक क्षेत्रों की श्रेणी में चुना गया। सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्योगों को की रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019 के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 8%, 5 करोड़ तक के ऋण पर 6%, 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% तक का ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना के प्रारंभ से अब तक 10,588 आवेदकों को
बैंकों के माध्यम से 2535 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण किया गया है। प्रदेश के हस्त शिल्प एवं कलाकृतियों के विश्वभर में मांग रहती है। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक बनो योजना का शुभारंभ किया गया। अब तक राज्य में 5960 उद्यमियों को आयात निर्यात को जारी करवाए जा चुके हैं। उद्यम रजिस्ट्रीकरण संख्या पोर्टल पर दिसंबर 2021 तक 4,21,000 से अधिक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उन उद्योगों में 29,444 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा चुका है। प्रदेश के महत्वाकांक्षी रिफाइनरी परियोजना के निर्माण पर अब तक 11,895 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से राजस्थान समृद्ध प्रदेश है। इस वर्ष प्रधान खनिज लाइमस्टोन के 2 ब्लॉक्स का ई ऑक्शन किया गया है। इससे आगामी वर्षों में लगभग 6,838 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। खनिज लाइमस्टोन के 6 ब्लॉक व खनिज कापर के 1 ब्लॉक की ई ऑक्शन प्रक्रिया जारी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में अप्रधान खनिज को 154 भूखंडों का सफल ई ऑक्शन करने से फिक्स प्रीमियम के रूप में 113,65,00,000 रुपये प्राप्त हो चुके हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से 4 वर्ष बाद न्यायिक विवादों के निस्तारण से वैध बजरी खनन प्रारंभ हुआ। अब तक टोंक, राजसमंद, भीलवाड़ा व जालौर जिलों में 6 खनन पट्टों में खनन प्रारंभ किया जा चुका। फरवरी माह तक अन्य क्षेत्रों में भी पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर खनन प्रारंभ हो सकेगा। माननीय सदस्यों, सड़क सुरक्षा दुर्घटनाओं से मानव जीवन को बचाने के लिए अहम है। सड़क सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए 1 अक्टूबर 2021 को विभाग का नाम परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। प्रदेश के 10 प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों एवं 2 जिला परिवहन कार्यालयों में चालक क्षमता का परीक्षण ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर लेने की व्यवस्था लागू की गई है। सुमेरपुर, पाली, पोखरण, जैसलमेर व शहदोल शहर, गंगानगर में जिला परिवहन कार्यालय तथा रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, जैतारण, पाली, कुचामन सिटी, नागौर, काजूवाला, बीकानेर, कामा, भरतपुर व चाकसू, जयपुर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोले गए। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैटरी क्षमता के अनुसार दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये से 10,000 रुपये एवं दोपहिया वाहनों पर 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक एक मुफ्त अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। गुड्स परमिट, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट, नेशनल परमिट, प्राइवेट सर्विस व्हीकल परमिट एवं कर चुकता प्रमाण पत्र को ऑनलाइन किया जा चुका है। सड़क दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्तियों को समय से अस्पताल पहुंचाकर जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5,000 रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिए जाने हेतु मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना लागू की गई है। राज्य सरकार द्वारा रोडेज को प्रदान किए गए ब्याज मुक्त ऋणों की राशि 630 करोड़